जहन दोस्तों जवानों की मांग के लिए अब सेना के अधिकारी भी दे रहे हैं खुलकर साथ और एक बहुत बड़ा लेटर दो पेज का मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें सीजीडीए पीसीडीए के सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग हुई उसमें क्या डिस्कशन आया आखिर जो जंतर मंत्र पे चल रहा है उसका क्या निष्कर्ष कैसे निकलेगा एमएसपी को लेके क्या निकलेगा ईसीएचएस को लेके क्या निकलेगा और इनको रिसेटलमेंट के लेकर क्या निकलेगा ये सीडीएस साहब यानी सीडीएस साहब और तीनों सेना अध्यक्ष के लिए चिट्ठी लिखी है और 18 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी उसका हवाला दिया है। ये सब के लिए जानना जरूरी है यानी चारों तरफ से इसकी मुहिम शुरू हो गई है सब स्वीकार कर रहे हैं कि इसका निराकरण कैसे किया जाए जो जवानों जेशियों में रोष है गुस्सा है और उनके अंदर जिस तरीके का उनके साथ छल हुआ है इससे वो लोग बहुत परेशान है और परेशानी की सबसे बड़ी वजह ये आ रही है कि इससे एक बहुत बड़ी चीज़ निकल जा रही है कि जे जवान और अफसर में एक खाई बनती जा रही है और इसको पाटना बहुत जरूरी है इसके लिए ये लेटर लिखा हुआ है ये लेटर किसने किसको लिखा है हम जरा बात करते हैं ये लेटर एक सेना के अंदर की बात है यानी सी साहब के लिए लिखा है कि पॉइंट्स फॉर डिस्कशन विद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 21 अप्रैल 2023 यानी कल लिखने वाले हैं इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर आई एम सिंह और पैट्रन्स यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अब इसमें क्या कंटेंट्स है वारूपी को लेकर के एमएसपी को लेकर के ईएचएस को लेकर के रिसेटलमेंट को लेकर सभी बिंदुओं पर इस पर पूरी तरीके से जो डिस्कशन हुआ है और आगे क्या डिस्कशन होना है इसे कैसे निराकरण होगा इसके लेटर में पूरा लिखा है जरा हम पढ़ के आपको सुनाते हैं ओ hmm. आर के बारे में लिखा है सबसे पहले ध्यान दीजिए गवर्नमेंट शुड मेक ओ एम रिपोर्ट पब्लिक दिस विल रिस्टोर द फेथ ऑफ द वेटर इन द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट कुड इंप्लीमेंटेड व्हाट एवर द कंसिडर ए रीजनेबल रिकमेंडेशन हैव डिस्कशन ऑन अदर इश्यू उन्होंने कहा है कि ओ की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के प्रति वेटरंस का जो भरोसा है उसको दोबारा हासिल किया जा सके जो गवर्नमेंट ने क्या कंसिडर किया है क्या रीजन था क्या रिकमेंडेशन है ये आपको डिस्कशन बात की बात है यानी जो भी रिकमेंडेशन वो आरूपी के लिए की गई उसको सार्वजनिक करिए कि कहाँ खामियाँ और कहाँ चूक रह गई है उनने कहा है इसका ये मीटिंग गवर्नमेंट मीट द अनोमलीज विल नॉट गेट सेटल्ड टिल दिस एक्शन इज टेकन ऑन एटीन अप्रैल दो हजार तेईस आई पर्सनली वेंट टू जंत्र मंत्र इन माई ओपिनियन दिस इनिशियटिव विद साइलेंस प्रोटेस्टिंग उन्होंने कहा कि यानी एम ने एक मीटिंग का ऐलान किया जिसमें सी और पी के रैप थे और एक्सप्समैन के लिए उन्होंने लिखा है कि वो में जो अनोम हैं जब तक आप पूरी तरीके से सार्वजनिक करिए जो ओ एम जी सी की रिपोर्ट है तब तक इसका कोई जो एक्शन और एक्शन जो भी है वो बाद में लीजिए ये अठारह अप्रैल दो हजार तेईस को ही उन्होंने कहा मैं पर्सनली जंतर मंत्र पे गया मुझे दे मुझे देखा और तब मैं चुप रहा कि हाँ इसका निराकरण ये हो सकता है फिर उन्होंने सी साहब के लिए लिखा कि बिल्कुल एमएसपी के लिए अभी आपको कड़ा कदम उठाना पड़ेगा एमएससी यानी इक्वल मिलिट्री सर्विस पे यानी मिलिट्री सर्विस पे उनका क्या है क्लैरिफिकेशन ऑन एमएसपी बेस्ड ऑन सम पैरामीटर इज रिक्वायर्ड यानी एमएसपी के लिए जो पैरामीटर से रिक्वायर्ड है जे कैन नॉट बी क्लब्ड विद एनसी जे सी को आप एनसी के साथ क्लब्ड नहीं कर सकते इन दिस रिगार्ड इवन नर्सिंग ऑफिसर एमएसपी हु हार्डली गो टू सेक्टर ऑफ सर्विस वे आर ट्री टू लाइफ एग्जिस्टिंग सेकेंडली दे आर नॉट ऑफसर एज पर डी एस आर एंड दे हैव बीन ग्रांटेड एम एस पी पार एस दस हजार पाँच सौ पर मंथ उन्होंने कहा है कि जे सी ओ की कैटेगरी को अलग करिए और आपने नर्सिंग अफसर को दस हजार पाँच सौ कैसे दे दिए वो तो डी एस आर डिफेंस सर्विस रेगुलेशन में ऑफिसर ही नहीं है आपने कौन सी कैटेगरी से उनको दिया है और उनके पास क्या थ्रेट है लाइफ में कौन से वो ऑपरेशनल सेक्टर में जाते हैं ये चीजें लोगों के मन में हैं जे आर गजस्टेड ऑफिसर इन क्लास सेकेंड एंड शोल्डर कम एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कम्बैट जोन द जेसियो आर ग्रांटेड हायर स्टेटस ऑफ पे ग्रेड एंड एनहेंस एम एस पी बेपिंग शुड बी आर एस दो हजार पांच ऑफ जेस्यू उन्हें कहा आप जे की एक रेस्पेक्ट समझिए गजस्टेड क्लास सेकेंड का अधिकारी है और उसका एक सेक्टर हो ऑपरेशन हो एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले जाके सारे काम करता है तो फिर उसको दस हजार पांच सौ एम क्यों नहीं एमएनएस को क्यों इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया और सजेशन दिया है सीडीएस साहब को तीनों आपके सेना अध्यक्षों को ईसीएचएस आई सजेस्ट दैट सम शेयर ऑफ सी एच डी प्रॉफिट ऑफ अलॉटेड ऑफ एच एस एज ए शॉर्ट टर्म्स ऑफ मेजर टू बी यूज ओनली मीटिंग शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन नॉट फॉर एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट एंड हॉस्पिटल बिल्स उन्होंने कहा मैं सजेशन दे रहा हूं सी एस का कुछ प्रॉफिट का हिस्सा इसी चीज दीजिए ताकि जो वेटरन्स हैं उनका इलाज सुचारू रूप से किया सके उनको नौबत ना आए कि वो बाहर से अपनी खरीदें इनके ऊपर एक सजेशन दिया और बढ़ा दिया है फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर एम दिस इज एन एरिया वेयर देर नो लिमिट टू व्हाट कैन बी अचीव रि एम्प्लॉयमेंट लेवल आर नॉट इजी टू अचीव एंड दे टैक द मोस्ट स कंट्री आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट अब हमारे बहुत सारे एक्सर्समैन रिटायर्ड होके जाते हैं अनएम्प्लॉय हैं तब उनके जीवन में एक संघर्ष होता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी बेरोजगारी इसके लिए जवानों के लिए कुछ करना होगा कुछ करना होगा क्या सजेशन दिया है उन्होंने कहा एस एम गेट रीजनबल अमाउंट ऑफ पेंशन ऑफ देयर लिविंग पोस्ट रिटायरमेंट बट द एक्सप्रेशन ऑफ आर मोर एक्सिस्टिंग नॉल ह्यूम जो जवान पैसा लेके जाता है उससे उसका गुजारा नहीं होता है उसको चाहिए कि उसको और कुछ कमाना होगा उन्होंने कहा वी नीड टू फैक्टर ऑफ द मनी आफ्टर रिटायरमेंट से टू बी एक्सेस ऑफ उनका हर एक जवान चालीस लाख के आसपास ले जाता है और क्या करता है जब उसका एक एपी फंड उसका पैसा होता है प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट एक्समैन आर नॉट इन पोजिशन ऑफ अर्निंग एनीथिंग मोर देन बैंक एफ डी इंटरेस्ट विच इज अबाउट सेवन परसेंट विच इज नॉट वेरी मच हायर देन द इन्फ्लेशन रेट जैसे महंगाई की रेट सात परसेंट है उसी हिसाब से एफडी में मिलता है क्या मिल रहा है उसको कुछ नहीं उसके पैसे बैंक में पढ़े कोई फायदा नहीं वो नहीं समझ पाता मैं कहा पैसे को लगाऊं तो उससे उसका पैसा और महंगाई साथ साथ चल रहा है कोई इंटरेस्ट नहीं वी नीड टू सेट अप द लार्ज बिजनेस मॉडल ऑफ यूसएम विदर्स सोर्स ऑफ इनकम हमें सोचना होगा कि एक्स सर्विस के लिए आपने एक बिजनेस मॉड्यूल खड़ा करना है बहुत अच्छी बात की है कि एक्स सर्विस आए मैं भी चाहता हूं कि जो भी रिटायर्ड होके आए वो बिजनेस के रिसेटलमेंट कोर्स जरूर करके आए बिजनेस की बारकियों को जरूर समझे कि हर किसी भी प्रकार का बिजनेस वो एक्स सर्विसमैन कर सके अब गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं आपने देखा द आर्मड फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट कैन प्ले बिग रोल ऑफ दिस आर फर्स्ट इनिशिएटिव टुवार्ड सोलर पावर प्लांट उन्होंने कहा मेरा सजेशन है कि सोलर प्लांट जो मिलिट्री स्टेशन में लग रहे हैं उसमें गवर्नमेंट जो है एक्स सर्विसमैन का पैसा लगना चाहिए ताकि वो पैसा बैंक की एफ से डबल उन्हें प्रॉफिट मिल सके ऐसे उन्होंने सुझाव बहुत सारे दिए आई मे इन टच विद डी मैं डायरेक्टर जनरल रिशेटलमेंट के टच में हूँ एंड कैन इंश्योर देट बी द सर्विस हेडकोर्टर ई सेटअप एम बिल सेटअप वेंचुरी इट विल अप्रिशिएटेड बाई द कंट्री उन्होंने कहा है कि डी भी इस तरीके के प्लान बना रहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रिशेटलमेंट तो उनको कुछ एक्स सर्विस मैन जब सिविल में आए उससे पहले उनके पास कोई बिजनेस स्किल ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है बिज़नेस स्किल ना ही तो वो शेयर मार्केटिंग जानते हैं ना ही कुछ जवानों को तो मोबाइल नहीं आ, है दिया जाता है और वो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं लेकिन कम से कम वो रिटायरमेंट होके के होने से पहले उन्हें इस तरीके की इस स्किल से ज़रूर अवगत कराना चाहिए या कोर्स कराना चाहिए ताकि वो आकर के अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर सकें और उस पैसे से दो पैसे कमाएं ताकि उनका पेंशन और इस तरीके का गुजारा हो सके मैं ऐसी लेटर ऐसे सजेशन का जबरदस्त स्वागत करता हूं कि ये एकदम प्रैक्टिकल है जो कि सी साहब के लिए लिखा है तीनों चीफ के लिए लिखा है और जो ब्रिगेडियर साहब हैं उन्होंने बोला है कि मैंने ये मीटिंग अटेंड की थी और इसमें ये सारे चीज़ें होना बहुत लाजमी है धन्यवाद